अलिफ लाम रा। ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा पर दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं, यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर ना होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हैं बावर नहीं करेंगे, और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सक्का भेजा तो उसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, जहे किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दरहमों पर बेच डाला और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता किया, और नेकुकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियां तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्त किया और उन्होंने उसका कस्त किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी ना देखते तो जो होता सो होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला।
और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो यह सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यह झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब उसने जुलेखा से कहा कि यह तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात का ख्याल न कर, और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ मायल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है, हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगु जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की, और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी, और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूं तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया, बेशक वही तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं, तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा, ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने उनका मजहब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक बनाए, ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैदखाने के रफीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। जिन चीजों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है, उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैदखाने के रफीको, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है, और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस कैदखाने ही में रहे। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि सात मोटी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं, और सात खोशे सब्ज हैं और सात खुश्क। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये ख्वाब तो परेशान ख्याली से हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। और वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई,
बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे कैद खाने जाने की इजाजत दीजिए। गरज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ए बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए, बाकी को खोशों में ही रहने देना। फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो सब को खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मेह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। सो जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, बेशक मेरा परवरदिगार उनके फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि अल्लाह पाक है, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की बीवी ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल यह है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की, और अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता, और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे जरई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और उस काम से वाकिफ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकूकारों के अजर को जाया नहीं करते, और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलोयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है, और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता, बेशक हुक्म अल्लाह ही का है
मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हां, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आपखोरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है। वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है, और जो शख्स उसको लेके आए उसके लिए एक बारे शुत्र इनाम, और मैं इसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें, और न हम चोरी किया करते हैं। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या। उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके थैले में वो दस्तियाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करती हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर यह कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। ब्रादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, यानी जेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ ले, ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो, तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की, और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे, और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से यानी अहले मिस्र से और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस, और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ए बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ऐ अजीज, हमें और हमारे अहल अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है, और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो।
उन्होंने कहा, हां मैं यूसुफ हूं, और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफिरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था, मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैदखाने से निकाला, और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है, तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे।